नमस्कार बच्चों, पंजाबी दी जमात विच तुहाडा स्वागत है। बच्चों आज मैं तुहाडे सामने पंजाबी दी लगा ना दी वरतों करनी सिखावांगी तुहानू। ठीक है, पहले मैं तुहानू पंजाबी दी कन्ना, सिहारी, बिहारी, औंकड़ ते दुलैंकड़ दी वरतों करनी सिखाई है। उन्हां नूं वर्तना सिखाया है कि असीं उन्हां नूं कीवें ते कित्थे लगाने हां। हुण मैं तुहानूं सिखावांगी ला दी मात्रा, जिन्हों हिंदी तुसी ए दी मात्रा कहिंदे हो, छोटी ए दी मात्रा कहिंदे हो। ठीक है, पंजाबी च उन्हूं असीं कहिंदे हां ला दी मात्रा। ते जिहड़ी हिंदी दी तरह उत्ते अक्खर दे उत्ते लगदी है पर ओह गोल नहीं हुंदी, छोटी तिरछी जी थोड़ी लाइन हो जाती है। ठीक है, जिन्हें उन्हें देखो, स जमा ला जमा ब सेब। देखो थोड़ी मात्रा ला दी मात्रा, देखो सेब किवें थोड़ी तिरछी है ना, ना तिरछी बस सीधी लाइन ते तिरछी होनी थोड़ी जी, गोलाई नहीं करनी, घुमाना नहीं है उन्होंने तुसे। ठीक है, अगे देखो, ब जमाला जमड भेड़, स जमाल जमा ला जमट सलेट, स जमा प जमाला जमार जमा आ सपेरा, स जमाला जमार शेर, क जमाला जमाला केला, क जमार जमाला जमाला करेला, ला जमाल जमाट जमाला जमान लालटेन। ठीक है, ला वाले शब्द ने तोड़ के दिते ने, तोड़ के असि जोड़ के लिखा है। ठीक है, एवं ही तुसी लिखने ने। अगे देखो हम जो दिते ने शब्द इन्हों बोल के तुसी अभ्यास करना है। जलेबी, फिर की अगे पलेट, रेल, सलेट, शेर। ठीक है, हम देखो इन्होंने बोल के अभ्यास करांगे असी। शेर, देर, देर, मेल, खेल, रेल, मेला, धेला, केला, तेरा, तेरा, डेरा, तेली, मेली, चेली, बेरी, रेती, सेती, पलेट, सलेट, रमेश, कलेश, बंसेरा, मछेरा, मछेरा होता है जरा मछलियां पकड़ते ने, मछलियां पकड़न वाले मछेरा कहा जाता। सपेरा, चमेली, जलेबी, हरे, बल्लेल,
नितनेम परेशान सुलेमान सूबेदार ठेकेदार पहरेदार थानेदार। ठीक है, ए शब्द हैं थोड़े ला दे, तुसी तोड़े शब्द भी लिखने ने ते जोड़े शब्द, तोड़ के जोड़ के लिखना वो भी लिखना है, फिर जोड़ के भी 15 या 20 शब्द लिखने हैं। हुन अगे देखो वाक रचना। ठीक है, ला वाली वाक रचना। देखा रमेश आते नरेश सोहने कपड़े पाके मेला वेखन गए, पूरा विराम की बनिया। देखा रमेश अते नरेश सोने कपड़े पाके मेला वेखन गए, पूरा विराम। ठीक है, अगर देखो मेले विच रमेश ने केले खरीदे, मेले विच रमेश ने केले खरीदे, पूरा विराम। केले पीले सन, केले पीले सन, पूरा विराम। ठीक है, आगे देखो रमेश ने तमाशा वेखिया, की लाइन बनी रमेश ने तमाशा वेखिया, पूरा विराम। आगे है रेखा ने शेर दी नकल उतारी, ये बना रेखा ने शेर दी नकल उतारी, पूरा विराम। अगे देखो नरेश ने हाथी दी सवारी कीती, नरेश ने हाथी दी सवारी कीती, पूरा विराम। सारे मेला वेख के बहुत खुश सन, सारे मेला वेख के बहुत खुश सन, पूरा विदा। ठीक है, उनके देखो ऐसा बहुत दिखती हुई खान साहब के पूरा करना है के जब तली दिखता है आगे की लिखोगे के बनेगा के तली, की बनेगा के तली। फिर लिखा दे की बनेगा करेला, करेला। सा दिता है, खाली दिता है, फिर रा दिता है, फिर असि लिखांगे विच पे, की बनेगा सपेरा, की बनेगा सपेरा। अगे देखो चा दिता है, क दिता है, फिर खाली जगह देखे फिर त दिता है, तो असि की लिखांगे विच छिले, की बनेगा चाकलेट। बोलते अस चाहे चॉकलेट हो ये चीज, ठीक है लिखना चाहिए चाकलेट। अगे देखो खालिस्तान ने शब्द और के लिखने हैं जमाला जमाल जमाना, की बनेगा बेलना। थ जमा क जमा सॉरी थ जमा ला जमा क जमा ला जमा द जमा कन्ना जमा र, की बनेगा ठेकेदार। सिहाई जमा ह जमा र जमा ला जमा द जमा कन्ना जमा द, की बनेगा
देखो क जमा जमल जमाला ला जमश की बनेगा कमलेश कमलेश। जमा करना जमा अनाना जमा करना जमा द जमा थ जमा करना जमा अनाना जमा ला जमा द जमा करना जमा र की बनेगा है थानेदार। ठीक है आगे देखो म जमा छ जमा लाभ जमा र जमा करना की बनेगा मचेरा। बच्चे बड़े ध्यान नाल सुनना तुझी थोड़े शब्दों अलग अलग दिते इंटरनल जोड़ जोड़ के ध्यान ना जोड़ना है ते ध्यान ना पढ़ना है ते बोलना है। एने की मैडम बोल रही है तो तुसी बैठे सुन रहे हो तुसी अभ्यास नाल देखो कि मैडम की जेब नाल अपनी उंगली रखो। ठीक है सिहारी जमा क जमा र जमा करना जमा इड़ी जमा ए ला जमा द जमा करना जमा र की बना किराएदा। ये देखो एक बारी सिहारी जमा क जमा र जमा करना जमा इड़ी जमा ला जमा द जमा करना जमा र की बना है किराएदा। आगे देखो सिहारी जमा र जमा श जमा त जमा ला जमा द जमा करना जमा र की बनेगा रिश्तेदार। ये देखो सिहारी जमा र जमा श जमा द जमा ला जमा द जमा करना जमा र की बनेगा रिश्तेदार। देखो स जमा ट जमा ला जमा श जमा न की बनिया स्टेशन। ह जमा र जमा म जमा ला जमा श हरमेश। ह जमा र जमा म जमा ला जमा श की बनिया हरमेश। हुण देखो अगे खाली स्थान खाली थावां भरो दो दो ऑप्शन दिते जिहड़ा तुहानूं ठीक लगदा तुसीं ओह भरने हन। उड़ा देखो केले डैश सन। हुण इह पीले भी दिते ते नीले भी। केले नीले तां नहीं होंदे ना की होंदे ने पीले ते असीं की भरांगे पीले ते की होएगा केले पीले सन। उर्विदा ऐड़ा देखो रमेश ने डैश वेख्या। हुण तमाशा भी है ते मेला भी है। असी दोनों चीजा जेड़ी तमाशा भी है पर साडी किताब च मेला दसा होया ता असी मेला भरांगे पर इंदे तमाशा भी आ सकता है ते मेला भी आ सकता है। ते रमेश ने मेला वेख्या पूरम विराम। अगे इड़ी देखो रेखा ने डैश दी नकल उतारी। रेल भी है शेर भी है ते असी रेल दी भी नकल हो सकती है रेलगड्डी बना के ते शेर दी भी हो सकती है। और किताब साड़ी किताब की जिता शे। ठीक है ते असी की लिखांगे रेखा ने शेर दी नकल उतारी। रेखा ने शेर दी नकल उतारी पूरा मेरा। अगे देखो सस्ता देखो रमेश ने मेले विच डैश खरीदे। हम खरीदे की केले भी झूले झूले खरीदन ते झूले खा सकते हैं ना ते किया गया केले की बनेगा रमेश ने मेले विच केले खरीदे पूरा मेरा। रमेश ने मेले विच केले खरीदे।
ਵਿਧਾਨ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਪੂਰਾ ਵਿਧਾਨ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਵਾਕ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਪੂਰਾ ਵਿਧਾਨ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਲਿਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਾਤਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਛੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਰੁੱਤਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 7। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 7। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਸੋਮਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ। ਜੋ ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਐਤਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ, ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ, ਤਿੰਨ, ਚਾਰ, ਪੰਜ, ਛੇ, ਸੱਤ, ਅੱਠ, ਨੌ, 10, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਲਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਨਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਹੀਨਾ ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। 12 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਇੱਕ ਸਾਲ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਵਣ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਵਣ ਦੇ ਵਰਤ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਸਾਵਣ ਦੇ ਵਰਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੋਹ, ਮੱਘਰ, ਫਾਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਦੂ, ਸਾਵਣ, ਹਾੜ, ਤੇ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਨਾਮ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਜਨਵਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਰਵਰੀ, ਪਰ ਆਹ ਦੇਖਣਾ ਲਿਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨੀ ਕਿ ਯਾਦ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮਾਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हिंदी सितंबर आखने पंजाबी क्या कहेंगे सितंबर, क्या कहेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बोलना चाहिए दिसंबर आएगा, लिखना चाहेगा दिसंबर, ठीक है। महीने के माघ की क्या जाना है माघ, ठीक है, माघ महीने की संक्रांत बड़ी शुद्ध होती है, मम्मी बोलते ने कार है ना बड़े बोलते ना ना अगन की हो जाएगा अगन, मार्च चेत, मार्च चेत, अप्रैल विशाख, अप्रैल विशाख, मई जेठ, मई जेठ, जून हार, जून हार, जुलाई सावन, ऐसे सावन बोलो पंजाबी सावन, ठीक है, जुलाई सावन, जुलाई में की कहेंगे सावन, अगस्त भादो, अगस्त भादो, सितंबर अशु, सितंबर नुकीतांगे अशु, अक्टूबर, अक्टूबर नुकीतांगे कत्तक, की कांगे कत्तक कहने ना दिवाली अंदी कार्तिक मादी मस्या नू मनाई जंदी है, ठीक है, नवंबर नू कत्तक, कार्तिक क्या जंदा है ते पंजाबी एच कत्तक, अक्टूबर ठीक है, अक्टूबर कत्तक, नवंबर 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 ओ दिसंबर ओ, यानी कि फोर दैट ओ दी ठंड हैगी, फोर द पाला है, पाला यानी कि ठंड, ठीक है। एक बार फिर देखो अंग्रेजी महीने के देसी महीने, जनवरी की बोला जाता है माघ, की बोला जाता है माघ, फरवरी, फरवरी की बोला जाता है फग्गन, की बोला जाता है फग्गन, मार्च, मार्च की बोला जाता है चेत, की बोला जाता है चेत, अप्रैल, अप्रैल की बोला जाता है विसा, की बोला जाता है विसा, मई, मई की बोला जाता है जेठ, की बोला जाता है जेठ, अगे आएगा जून, जून की बोला जाता है हार, की बोला जाता है हार, अगे आएगा जुलाई, जुलाई ने की बोला जाता है सोम, सावन या सोम, जुलाई की बोला जाता है सोम, अगस्त में की बोला जाता है भादो, की बोला जाता है भादो, ठीक है।
ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਸੂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਸੂ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੱਤਕ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੱਤਕ ਅੱਗੇ ਨਵੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੱਘਰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੱਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦਸੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੋਹ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੋਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ सारा काम लिखना है याद करना है काम बड़े सोने तरीके नाल करना हर चीज नु अलग अलग करके लिखना है ताकि पता लगे कि यह काम हुआ इस तरीके नु काम किया इस तरीके नु काम किया ठीक है। देखो बच्चे रुतां कहते ना बसंत आ गया बसंत पंचमी है गर्मी सर्दी पतझड़ ठीक है जो पत्ते झड़ते हैं पतझड़ बसंत जो नवे पत्ते आते हैं ठीक है। हम रुता दे नाम करांगे सी की है रुता दे ना की करांगे रुता दे ना बसंत ठीक है। बसंत पंचमी जो पीले चीजा आंदिया ने सारे पीले चावल पीले पतंगा उड़ाते ने है ना पीले कपड़े पाते ने ठीक है। लो हम सरस्वती माता की भी पूजा की जाती है हवन भी आते ने इन्होंने बसंत पंचमी वाले हवन भी करवाते ने ठीक है। बसंत फिर दूजी है गर्मी गर्मी जी हम चल रही है जिन्हें सू गर्मी लगे पसीने आते ने पंखा चल रहा है एसी चल रही है ना गर्मी तीजी वर्खा जी हम वर्खा भी चल रही है ना ये बारिश जिन्हों बारिश किया जाता है की है वर्खा। अगे है सर्दी सर्दी जो रजाइया पाते हो छाला करते कोटिया ताडे दंद कंबदे ने कंडक है ना किटकिट करते ने दंद जेबा छत पेंदे ने है ना और तंदे ना सर्दी रुतां नूं मौसम भी कहा जाता है ठीक है। अगे है पतझड़ पतझड़ उनकी जो पेड़ा दे सारे पत्ते झड़ते हैं ते फिर बाद जिवें बसंत होंदे ते नवे पत्ते आंदे आ ठीक है। पतझड़ ठीक है नाम होया ठीक है मौसम दे नाम होया तुसी कापी ते लिखना ते याद करना है। हुण देखो फिर लागे ला स जमा ला जमा ब से ब भ जमा ला जमा ड बेड़ स जमा ल जमा ला जमा ड सलेट स जमा प जमा ला जमा र जमा करना सपेरा श जमा ला जमा र शेर क जमा ला जमा ला केला क जमा र जमा ला एक ला ला मात्रा ना ला आएगा ठीक है ला करेले ला आएगा ठीक है। क जमा र उत्ते भी केले ला आएगा दो ला क जमा र जमा ला मात्रा वाला जमा ला करेला ला जमा ल जमा ट जमा ला जमा न लालटेन ठीक है। आगे देखो शेर देर देर मेल खेल रेल मेला
भेला, केला, तेरा, फेरा, डेरा, तेली, मेली, चेली, बेरी, रेती, सेती, पले, सले, रमेश, कलेश, बसेरा, मछेरा, सपेरा, चमेली, जलेबी, हर दे, बल दे, नितने, परेशान, सुलेमान, ठेकेदार, पहरेदार, थानेदार, रेखा, रमेश अते नरेश सोने कपड़े पाके मेला वेखन गए, पूरा विराम। मेले विच रमेश ने केले खरीदे, जोर जोर के पढ़ोगे ना, मेले विच रमेश ने केले खरीदे, पूरा विराम। मेले विच रमेश ने केले खरीदे, पढ़ने च आसानी होगी, केले पीले सन, पूरा विराम। रमेश ने तमाशा वेख्या, पूरा विराम। रेखा ने शेर दी नकल उतारी, पूरा विराम। नरेश ने सवारी कीती, पूरा विराम। सारे मेला देख के बहुत खुश सन। ठीक है बच्चे, ऐ तुसी 15 अक्षर तोड़ के लिखने, तोड़े लिखने हैं तो उन्होंने जोड़ना है, फिर 15 अक्षर तुसी जोड़े लिखने हैं, फिर 10 तुसी वाक लिखने हैं। दे नाम गिनती, महीने के नाम देसी च ते अंग्रेजी च, ते रुत्तां दे नाम लिखने हन ते याद करने हन। अनम्यूट योरसेल्फ बच्चे, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। सब सबको समझ आ गया बेटा जो पढ़ाया गया है? हो गया बच्चे क्लियर? आपने इसको बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बड़े रिलैक्स होके काम करना है, ठीक है? फिर अपने आप ही आपको समझ आएगा। नई चीज है, धीरे धीरे समझोगे, धीरे धीरे आएगी, जल्दबाजी नहीं करनी कि मुझे नहीं समझ आ रही,
ठीक है, ऐसा नहीं करना, धीरे धीरे समझो, शांत भाव से आराम से बैठ के को पढ़ना समझना लिखना, ठीक है, करो, सुरक्षित रहो, आधा दिन शुभ हो, धन्यवाद। ओके कर दो सर, रोहित सर। रोहित सर,